हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज कोई ब्लॉग तो नहीं है, बट ये वीडियो है स्पेशली केवीएस पीआरटी में जिनका भी सिलेक्शन होगा। अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, बट उन्हें इंटरव्यू की प्रिपरेशन, जिन्हें लगता है कि हाँ मेरा कट ऑफ में आ सकता है, अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे भी यही लगता है कि मेरा भी कट ऑफ में आएगा। जब से बीएड बाहर हुआ है तब से चांसेस बन रहे हैं कि अब आ जाएगा, तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया है थोड़ा थोड़ा। तो आपसे बात करेंगे, आप किस तरह से अपना खुद से जीरो लेवल से सेल्फ स्टडी से कैसे अपना स्टार्ट कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स उसी में बात होने वाली है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यह है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले आपको कहीं से भी आप यूट्यूब की या मदद लीजिए, या फिर कहीं से यूट्यूब के जो और वीडियोस हैं केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के, आप देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वहाँ से इंटरव्यू को देखना है और वो किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन वो लोग दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन को लेना है और अपने नाम के साथ ऐड कर लेना है। तो आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन का जो प्रिपरेशन है उसको करना है, और प्रिपरेशन इंट्रोडक्शन ऐसा रहना चाहिए जो विद इन अ मिनट ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की प्रिपरेशन कीजिए, इंट्रोडक्शन हो जाए तो फिर उसके बाद है आपका नाम। तो उसके बाद आप अपना नाम जो भी आपका है तो उसका आपको अर्थ पता, मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में, कभी कभी नहीं अक्सर इंटरव्यू में नाम पूछ लिया करते हैं कि नाम का मीनिंग क्या है, तो उसको आपको पता होना चाहिए। और आपके नाम से, आपके स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आपको पता होनी चाहिए कि आपने जहाँ से कॉलेज की है, कॉलेज का क्या है, कब उसका स्थापना हुआ था, या फिर क्या भी कैसे। अब जब भी आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये कोई आईएएस लेवल का इंटरव्यू नहीं है, तो उतना टफ तो क्वेश्चन हम लोग से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो हम लोगों के पैनल में रहेंगे वो प्रिंसिपल, हाईएस्ट उनका जो रैंक रहता है वो प्रिंसिपल का रहता है। तो प्रिंसिपल रहेंगे और सभी टीचर ही रहेंगे केवीएस स्कूल के। तो ऐसे ही हम लोग को अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करनी। और बहुत सारे ये डाउट रहते हैं कि हमें बुक कौन सी पढ़नी है, डेमो कहाँ से देना पड़ेगा। तो बुक जो पढ़नी है आपको एनसीईआरटी की ही बुक पढ़ती है, क्योंकि जो केवीएस का स्कूल है उसमें वो एनसीईआरटी से ही चलता है, एनसीईआरटी सीबीएसई से चलता है और सीबीएसई एनसीईआरटी से चलता है। तो उसमें जो पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी पूछा जाएगा। तो पीआरटी में 1 से 5 तक के लिए है, तो मेरा यही मानना है कि आप लोग 1 से लेके 5 तक के सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, और थोड़ा माइंड में उसको रखिए भी। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिए तो पढ़ लिए, और जब तक उसको आप माइंड में नहीं रखेंगे तो आप लोग डेमो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि वो टॉपिक ही दे दे कि आप इस टॉपिक पर डेमो दीजिए। तो जब तक उस टॉपिक के बारे में हमें पता नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो आपको यही करना है कि क्योंकि 1 से लेके 3 तक तो 3 ही सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ है, और 3 से क्लास 3 से पर्यावरण चालू हो जाता है। तो हमें यही 4 बुक सिर्फ पढ़नी है। तो 4 बुक को किस तरह से पढ़नी है, अच्छे से उसको पढ़ना है ताकि हम लोग डेमो भी दे पाएँ। तो जैसा कि मैंने रोहित सर का कल या परसों वीडियो आया था तो मैंने देखा था, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको डेमो टीचिंग के लिए प्रिपरेशन करनी है तो मैथ या एनवायरनमेंट का कर लो, क्योंकि अभी तक जो भी इंटरव्यू हुए हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश के बहुत सारे पूछे जा चुके होंगे, तो और वो लोग भी बोर हो गए होंगे। तो मुझे भी जहाँ तक लगता है कि एनवायरनमेंट और मैथ ईजी रहेगा। और किस तरह से आप उसको एक्सप्रेस करते हैं टीचिंग में, क्या होता है, आपको एक्टिंग करके उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ताकि हम लोग को छोटे बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चे जितना ज़्यादा आप उनको इम्प्रेस कर पाएंगे, अच्छे से अपनी बातों को रख पाएंगे ईजिली, वही बेटर रहेगा। तो आप लोग कहाँ से एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो, तो ये एनसीईआरटी की ऐप आती है, देख लीजिए आप, सिंपली प्ले स्टोर पर जाके एनसीईआरटी बुक्स लिखेंगे तो एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी, और हिंदी में भी मिल जाती है, इंग्लिश में भी मिल जाती है। तो मेरे पास दोनों है, एनसीईआरटी इंग्लिश की जो बुक है तो उसमें एनसीईआरटी का लोगो बना हुआ है, और हिंदी की बुक है तो हिंदी की बहुत सारी बुक मिल जाएंगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आपको कैसे पढ़ाई करना है। तो एनसीईआरटी जब खोलेंगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी की किताबें लिखी हुई है, इस पर टच करेंगे तो आ जाएंगी। तो इसमें 1 से लेकर 12 तक की किताबें हैं,
तो कक्षा एक की अगर मैं किताब खोलती हूँ तो तीन सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ है। तो अगर गणित का क्या है, गणित में अगर आपको करना है तो गणित में आपको सबसे पहले जो भी फार्मूला है, कुछ भी है, आपको सारे चैप्टर को पढ़ना है। और मैं भी अभी से स्टार्ट करूँगी, मुझे भी पहले आइडिया ये नहीं था कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बट अभी जो थोड़ा सा आइडिया आया है तो मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, आप सबको भी थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। आज ये पहला टॉपिक है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें और कौन सी बुक पढ़ें, और ये सारी बुक पढ़ने में एक हफ्ते तो लग ही जाएंगे। और इसके बाद जो मैं बताऊंगी और कहाँ से कौन से टॉपिक पढ़ना है ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो जितना भी मैंने आपको बताया है इतना कर लीजिए और इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए, और एनसीईआरटी की ये जो बुक्स है और हिंदी और इंग्लिश का एक एक पोयम याद कर लीजिएगा। मे भी वहाँ पे सुनाने को बोल दें तो हमें ये रहना चाहिए कि हाँ मुझे याद है, और वो पोयम जो भी आप याद करेंगे उसको एक्सप्रेशन के साथ याद करिएगा, किस तरह से हम लोग उसको बच्चों के सामने एक्सप्रेस करके उसको सुना सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि बैठे हैं उन्होंने कोई पोयम बोल दिया, मे भी उन्होंने बोल दिया एक्टिंग करके दिखा, तो एक्टिंग करके भी दिखाना पड़ जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना है, बड़े बच्चों को पढ़ाना है नहीं। तो बस यही सब है, और ये एनसीईआरटी की किताबें आपको एनसीईआरटी के ऐप पे मिल जाएंगी, प्ले स्टोर से आप डालेंगे एनसीईआरटी बुक्स तो आ जाएंगी वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं आप सबके साथ अपनी ये जो मेरा एक्सपीरियंस जो है उसको आप सबके साथ शेयर कर पाई। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि, और अगर आप मुझे कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, हो सकता है मुझे भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं भी अभी कहीं से गाइडेंस नहीं ले रही हूँ, बस यूट्यूब की मदद से और खुद से जितना हो पा रहा है इतना कर रही हूँ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।